Hey guys, welcome back to our channel Delian Twins. We hope कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो आज हम पैसा ड्रामे के एपिसोड 19 पर रिएक्शन दे रहे हैं, जहां हमने लास्ट वीडियो में छोड़ा था, इस वीडियो में उसी के आगे से कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस स्टोरी काफी मस्त चल रही है, तो अब आगे देखते हैं, आगे एपिसोड 19 देखते हैं कि आगे क्या स्टोरी चलती है, साथ में एपिसोड 19 एंजॉय करते हैं, उसके बाद बात करते हैं। ओए होए, कबाड़ हो गया यार, क्या रूम हो गया। फील जो आ रही होगी ना इसको, इस रूम में आके पुरानी याद ताजा हो गई होगी। ओए होए, क्या चीज दिखाई है यार। क्या शॉट है, इतना बड़ा आदमी होके भी अच्छे काम कर रहा है, हेल्प कर रहा है लोगों की। गाल मेरे सर से ऊपर से गुजर जाता है, मुझे प्लीज फिर से पढ़ाइए। दाम हर में है हल्का सद काम नहं, देखें क्या गुजरे है कतरे पर गुहर। दाम जाल हल्का जो है वो दायरे को कहते, का मतलब सौ है और नहं फिर है यार। फिर देखें क्या गुजरे है कतरे पर गुहर होने तक, गुहर मोती को कहते। एक दफा ये गालिब चाचा भी ना पता नहीं कहाँ कहाँ से तरकीबें पकड़ के लाते हैं। है हल्काए सत्काम नहंग, देखें क्या गुजरे हैं कतरे पर गोहर गोहर होने तक, देखें क्या गुजरे हैं कतरे पर गोहर होने तक, मोती होने तक। ये जरूरी है भाई। भाई यार कितनी गाड़ियां हैं, एक आगे दो पीछे, सारी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, छोटी गाड़ी है ही नहीं कोई। भाई बहुत वो होती है, आ रही हूं। किसके घर आया है ये? एक सेकंड। अब ये मिलेगा यार। क्या शॉट है यार। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिर्जा साहब हैं घर पे? आइए। ये कह रही होगी क्या बन गया, बता? क्या बन गया यार, ट्यूशन पढ़ाने आता था यार ये बंदा। कवल ने बताया था आप आए हुए अपने घर, मेरा नहीं ख्याल था कि आप इधर भी चक्कर लगाएंगे। किसने बताया था कि मिर्जा साहब की तबीयत ठीक नहीं है? और कैसे हैं आप? बेहतर हूँ। अम्मा मुझे भूख लगी है, खाना दे। आप जाइए। मतलब यार नजर उठा के भी नहीं देखता अभी भी यार, इज्जत है यार अभी भी दिल में भाई। की माँ के मरने के बाद तो परेशानियों ने जैसे हमारे घर का रास्ता ही देख लिया, कुंवारी बेटी घर बैठी हुई और
माजिद की कोई मुस्तकिल नौकरी नहीं है। माजिद कहाँ है इस वक्त? कहाँ होगा, नौकरी की तलाश में भटक रहा होगा इधर उधर। कराची शिफ्ट हो गया था वो नाहिद को लेकर, मेरी बीमारी के बहाने हफ्तों के लिए नाहिद। तो बड़ा पढ़ा लिखा था बंदा। मैं अपना कार्ड आपके पास छोड़ के जाऊंगा, माजिद को कहिएगा मुझसे मिल ले, इंशाल्लाह हो जाएगा कुछ नौकरी। बहुत मेहरबानी होगी बेटा, हो सके तो माफ कर देना मुझे। पट्टी बंधी हुई थी मेरी आंखों पर जो तुम्हारी शराफत और फरमाबरदारी को ना देख सके। भाई थप्पड़ मार दिया था। अल्लाह ने बहुत नवाजा है। आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं मिर्जा साहब, मैं माजी की सारी तलखियों को भुलाकर आगे बढ़ चुका। तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? नाहिद की माशाल्लाह तीन बच्चियां हैं। माशाल्लाह सिराज साहब बता रहे थे देखता नहीं है। तुमने मोहल्ले के लफंगों को भी नौकरी से लगवा लिया? अच्छा ये, वरना सारे के सारे वारदातिया ही बनते। अल्लाह अजर देगा तुम्हें। सबको लगवा दिया यार। चाय पी बेटा। आपका बहुत शुक्रिया आप आए। इसमें शुक्रिया की क्या बात, आप मिर्जा साहब का ख्याल रखें, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। मैं अपना कार्ड मिर्जा साहब के पास छोड़ रहा हूँ, माजिद को मुझसे रब्ता कर। आपसे एक सवाल पूछ लूँ अगर आप बुरा ना मनाए तो? जी पूछिए। आपने अभी तक शादी नहीं की? क्या सवाल पूछ लिया यार। कभी कभी ये तन्हाई इंसान को मार देती है। क्या पूछ लिया भाई? और किसने पूछा? हमारे पास लोगों की गैर मौजूदगी का नाम नहीं है। दरअसल हमारे इर्द-गिर्द मौजूद लोगों में हमारी गैर दिलचस्पी हमें तनाव कर देती है। क्या बात कह दी यार। वही तो कह रही हूँ। बहुत कह रही है भाई। इतने हजूम में रहते हुए भी क्यों तन्हा हैं आप? कोई ऐसा हमसफर ढूंढ लें जो आपके दिल की दिलचस्पी की वजह बन जाए। मैं आपकी बात पे गौर करूंगा। आप दुआ कीजिएगा मेरे मुकद्दर में भी ऐसा कोई। अपना ख्याल रखा करें, पर आजकल आप अपना ख्याल नहीं रख रहे। यार भाई इस वक्त ऐसी ऐसी हो गई होगी कि यार तो बड़ा आदमी है ये। ये देख रही है भाई क्या लेवल हो गया। ये देख रही है भाई ये बंदा क्या से क्या हो गया यार। ये देख रही है भाई इससे ऊपर नहीं है कोई। अब नहीं है भाई। गैर दिलचस्पी यार इसने जो वो बात बोली ना लो भाई, गैर दिलचस्पी तन्हा बना देती है। वापस जा रहा है। हमने तो सोचा था कि तू थोड़े अरसे के लिए रुकेगा, हमारे साथ रहेगा। जी भाई बहुत दूर है, काम छोड़कर आया हूँ, वहाँ पर ज़्यादा देर रुकना मुमकिन नहीं। चंद दिन ही तो हुए हैं, अभी तो हमने तेरी ठीक से खातिर मदारत भी नहीं की। और नहीं तो क्या,
हाँ तो और क्या, मैंने तो अभी दावत करनी थी, सबको बुलाना था, सब खानदान ने तुमसे मिलना था। मैंने भी सबको तारीख दे रखी है दावत की, अगर तुम रुक जाते तो अच्छा होता। ये तो बहुत हो गया था, अगर जाना नागजीर ना होता तो रुक जाता। बहरहाल कराची इतना दूर नहीं है, आप लोग भी आइएगा सईदा आप ही को लेकर। परिजात अगर ये घर छोटा पड़ रहा है तो मेरे घर में नया कमरा है, मैं उसको सेट कर देती हूँ तुम्हारे लिए। हैं वैसे भाभी आप भी ना कमाल करती हैं, क्यों छोटा पड़ेगा, परी का इधर ही बचपन गुजरा है, यही पला बड़ा जवान हुआ है, क्यों परिजात ठीक कह रही हो ना मैं? जी बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, मगर जाना जरूरी है, बहुत सारा काम है वहाँ पर। खैर मुझे इजाजत दीजिए, आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। एक दरख्वास्त है, सईदा आपी से मिलजुल रखिएगा, उनका शहर में और कोई है नहीं। क्या बात बोल के जा रहा है, किनसे करेंगे? इनको पता है यार, यही लोग नहीं रख रहे उससे। अच्छा फिर अपनी तरफ से तो बंदा कह के ही जा सकता है, अब इनके ऊपर है। क्या यार गाइस, यार परिजात जो को नाहिद के घर गया ना यार, वो एक सीन था यार। वो मतलब जब तक वो उसके घर था ना, तब तक मजा ही मजा था, क्योंकि बहुत तगड़ा शॉट हो चुका है यार वहां पे, मतलब बहुत तगड़ा सीन हो चुका है, तगड़ा सीन हो चुका है। और वो और जो उसका नजरे ना मिलाना यार, वो बात ही नहीं करता यार, वो आज भी ऐसा ही है, ऐसा ही है बंदा यार। वैसे नाहिद की भी ना नजरे, नाहिद भी मिला नहीं पा रही थी। हाँ नजरे ज्यादा, बट नाहिद देख रही थी उसे कि हाँ वो नाहिद तो देख ही रही थी, क्या चीज है, क्या लेवल हो गया बंदे का। हाँ पर ये तो यार मतलब एक होती है ना, एक इज्जत से बंदा देखता है, तो वो शुरू से ही है इसके अंदर यार, वो शर्म है। और मतलब नाहिद के जो पापा से ये मिला तो हाँ वो भी शर्मिंदा हो गए कि यार मैंने गलत, यार वो शॉट भी यार काफी मतलब शर्मिंदा होगी बेटा, टचिंग था यार, माफ कर देना हो सके। पहले वो बात कर रहा है और वो और इसके वो बातों के बीच में वो ऐसे कह रहा है बेटा शर्मिंदा कर देना, तो ना मैं वो देख रहा था कि यार क्या एक्टिंग है यार ये, मतलब रियल बातचीत नहीं होती, रियल बातचीत है वो, थी वो बातचीत। और यार इसका भी एक बड़प्पन देखो, इतना सब कुछ हो चुका, सब कुछ हाँ, ये भी कह रहे मतलब इसी घर के साथ हाँ, तो ये फिर भी गया वहाँ एक यार, क्योंकि इसने सुन लिया था ना, वो सुन लिया था हाँ, हाँ, वो तो, उन्होंने बोल दिया था चौकी के पापा ने कुछ, फिर शायद इसलिए मिलने गया था और तो यार गया था, बहुत बढ़िया था यार जो भी था। और यार वो जो नाहिद और उसके बाद जो नाहिद के साथ जो बातें हुई है उसकी, नाहिद के अन में मन में मतलब क्यूरियोसिटी थी कि हाँ मैं पूछूं इससे कुछ पूछूं कि शादी क्यों नहीं करी। हाँ यार एक क्योंकि वो था एक उसके जो, मन में था, उसने पूछ लिया। और फिर यार ये जो जवाब देता है ना बंदा, हाँ, वो सामने वाले को ऐसा चुप करा देता है। उसने कहा था ना, उसने तन्हाई वाली बात छेड़ी, तन्हाई हाँ हाँ, तो इसने बोला कि मतलब आसपास के जो गैर मौजूद लोग होते हैं वो कुछ ऐसी था, वो ताल्लुक नहीं रखते, तन्हाई से रिलेटेड कुछ था, तन्हाई से रिलेटेड तो यार बढ़िया था। हाँ एक तो वो उर्दू में बोलते हैं ना, उर्दू के वर्ड्स जब आते हैं ना तो थोड़ी मुश्किल हो जाती है हमें बताने में ना, तो भाई समझ जाना आप किस मतलब एंड की बात कर रहे हैं। तो यार वो सीन ही काफी बढ़िया था यार, यार मजा आ रहा है, पता नहीं बहुत मजा आ रहा है, हर एपिसोड में मजा आ रहा है यार, इंटरेस्टिंग हो रही है स्टोरी ना, काफी इंटरेस्टिंग हो रही है, पुरानी स्टोरी भी आई है ना सामने तो नई चीज लेकर आ रही है, मतलब पूरी स्टोरी घूम गई, सबको काम दे दिया यार, शोकी को हाँ लफंगे जो भी, हाँ यार वो खुद बोल रहा है यार नाहिद के हाँ लगवा दिया काम पे, माजिद का भी भेज देना, माजिद को भी, मतलब ये इतना बड़ा होके भी सबकी हेल्प कर रहा है, सबकी हेल्प कर रहा है, मतलब सबके घर जा रहा है, अगर आया अपने मतलब शहर में तो मिल रहा है सबसे, हाँ अपनी एरिया में, बात है यार ये बहुत मजा आ रहा है गाइस। नेक्स्ट वीडियो में एपिसोड को कंटिन्यू करते हैं, वीडियो आप लोगों को कैसी लगी आप लोग प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल गाइस, बेल आइकन को दबाना मत भूलना गाइस, जिससे कि आपको हमारे आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती है।